करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं किंग बन चुके हैं आप, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किंग मैं अपना जरूर ऐसा नहीं कहूंगा, बट हाँ लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं ऑन सोशल मीडिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड एक्टिंग जो मेरा करियर है, और एक्टिंग करियर में जो दो किरदार निभाए हैं, अशोका एंड देन अलादीन, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से ये चाहता था कि लोग मुझे जाने, बिकॉज लोग ऐसा अशोका बुलाते थे या अलादीन बुलाते थे, बट मेरा नाम लोग जल्दी नहीं बुलाते थे। बट आई थिंक थ्रू सोशल मीडिया लोगों को ये पता चला है कि सिद्धार्थ निगम ने वो दोनों किरदार निभाए हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी मदद करी है मेरी इस चीज़ में। सो आई एम रियली हैप्पी कि इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, लोग इतना प्यार देते हैं। मैं कोई भी पिक्चर डालता हूँ, कुछ भी डालता हूँ, तो लोग उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, एंड मेरे को भी प्रोजेक्ट आता है तो मैं डायरेक्टली शेयर कर पाता हूँ अपने फैंस। अच्छा असित, क्या कहना चाहेंगे? हर वर्ल्ड अपने आप में बहुत ज्यादा अलग होता है, चाहे वो आपका एक्टिंग करियर हो बॉलीवुड का, टीवी का, या ये सोशल मीडिया वर्ल्ड हो। क्या कहना चाहेंगे कितना ज्यादा सोशल मीडिया वर्ल्ड है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, यहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा रियल दिखाने की कोशिश की जाती है, तो सिद्ध उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है सोशल मीडिया पे लोग इतने रियल नहीं होते, क्योंकि उसमें आप यू नो आप उतने सोशल मीडिया पे रियल नहीं होते जितना आप रियल लाइफ में, व्हेन यू आर रियलिटी शो, आपकी रियलिटी वहाँ दिखती है। व्हेन यू आर यू नो डूइंग एनी काइंड ऑफ शोज, और जब आप वहाँ पे आप एक कैरेक्टर को निभा रहे होते, तो सोशल मीडिया पे आप उतने भी रियल नहीं होते अगर आप रील से लोगों को जज करें। बट यस, आप थोड़ा कनेक्ट हो जाते हो और थोड़ा प्राइवेट हो जाते हो अपने फैंस के साथ भी, कि हाँ दिस इज लाइक दिस माई होम, आई सिट हियर, आई डू दिस, आई ईट दिस, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर कर पाते हो थ्रू दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा सिद्ध, जहाँ अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करूँ, यहाँ पे दौड़ बहुत अलग देखने मिलती है, यहाँ पे कौन किसके आगे जा रहा है, कौन कितना पीछे रह रहा है, ये दौड़ सोशल मीडिया की भी बात करूँ या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करूँ बहुत खास तौर पे दिखाई देती है। तो सिद्ध अपने आप को उस जगह पे बना के रखने के लिए क्या स्पेशली किन किन चीजों को वो फॉलो करते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि नॉट ओनली इन दिस प्लेटफॉर्म और इन दिस प्रोफेशन एंटरटेनमेंट, आई थिंक हर जगह कॉम्पिटिशन है, हर जगह किसी न किसी चीज़ को लेके दौड़ है। बस कहते हैं ना कि अपने आप पे यकीन करके हार्डवर्क करते रहना चाहिए, बिकॉज मुझे यही लगता है जितनी मेहनत करोगे आपकी तकदीर भी उतनी ही खुलेगी। और मेरा बस यही मानना है कि जस्ट डू हार्ड वर्क एंड व्हेनेवर यू गेट एनी अपॉर्चुनिटी जस्ट यूज इट एंड गिव योर 100%। लास्टली एक सवाल जरूर मैं जानना चाहूंगी जो आपके फैंस भी जानना चाहेंगे। सर, जब भी कोई एक्टर बड़ा बनता है या एक तरह से अपने को स्टार के साथ काम करता है, लिंकअप्स और ब्रेकअप्स उनके साथ जुड़ जाते हैं, भले ये नहीं देखा जाता है वो किस एज का है, क्या है, कैसा है, पर ये चीज होती है। और आपका भी नाम काफी लोगों के साथ जुड़ा है, सिर्फ क्या कहना चाहेंगे जब वो न्यूज आपकी फैमिली को पता चलती है, आपको पता चलती है, किस तरह का रिएक्शन आता है जब ऐसी न्यूज में ब्रेक होती है? अभी तो चलिए अभी तो बहुत ठीक हो गया है, बट पहले तो ऐसे ही होता था कि इफ आई एम डूइंग अ शो विद एनीवन और अगर हमारी जोड़ी हिट होती है तो लोगों को लगता है कि रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं। बट वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट भी होता है, बिकॉज हमें लगता है कि हमने ऑन स्क्रीन इतना अच्छा दिखाया अपनी केमिस्ट्री, लोगों को रियल में भी ये लग रहा है, तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ही है। एंड फैमिली की बात रही तो उनको बताना पड़ता है कि ऐसा नहीं है, नहीं तो वो तो पूरा कुंडली उंगली निकाल के रख ले। अच्छा सिर, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं लास्टली आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी किसी को स्टार के साथ आप काम करते हैं, उसके साथ अगर आपकी जोड़ी बहुत फेमस हो जाती है, फिर आप नेक्स्ट को स्टार के साथ काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो बताना भी बहुत दिक्कत में आ जाता है कि नहीं यार इसको आप एक्सेप्ट कर लो इसके साथ, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपने अलादीन किया था, दो अलग अलग एक्ट्रेस के साथ किया था, एक्सेप्ट करना कितना ज्यादा ऑडियंस के लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है, और सिर्फ एक्सेप्ट करना ही नहीं, जो आर्टिस्ट जब यू नो किसी के जगह आके यू नो उस किरदार को प्ले कर रहा होता है, जिस किरदार को ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्यार मिल चुका है और लोग सिर्फ उन्हीं को देखना चाहते हैं, तो उस आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा टॉर्चर हो जाता है वो, और बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। बिकॉज मेरे शो में ऐसा हुआ था अलादीन में, जब यास्मीन अमीत प्ले कर रही थी, जब वो गई थी तो आशी आई थी, तो आई हैव सीन हर कि कैसे आशी वाज सफरिंग विद ऑल द यू नो नेगेटिव थिंग्स, बट एट द एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा आपका काम ज्यादा बोलता है, वर्ड्स क्या है, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। आई थिंक उसने जिस तरह उस किरदार को निभाया, जिस तरह यास्मीन ने किरदार को निभाया, तो लोगों को बहुत पसंद आया। नो कंपैरिजन की अवनीत ने जिस किरदार, क्योंकि अवनीत ने एक मार्क सेट कर दिया था, तो उस मार्क तक पहुंचना इटसेल्फ वाज अ बिग डील फॉर हर, बट उसने भी बहुत अच्छे से निभाया, लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो बहुत बड़ा टास्क होता है ये।
इट डिपेंड्स कि आप कैसा काम कर रहे हो, लोग कैसे पसंद कर रहे हैं आपको. अच्छा, मैंने लास्टली एक स्टोरी फाइल की थी, मैं जरूर सिद्ध उसके बारे में जानना चाहूंगी कि एक स्टोरी मैंने फीचर स्टोरी फाइल की थी जिसमें सारे यंग जो एक्टर है उनके लग्जीरियस कार के बारे में बातें चल रही थी. कैसा लगता है कि जब इतनी कम एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट ले लेते हैं, जहां आपके पास एक लग्जीरियस घर है, लग्जीरियस कार है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. अगर आप मेरे से पूछेंगे जिसने मतलब you know, हम लोग जब ऐसे छोटी कार भी दिखते हो लगता था कि यार बस कार होनी चाहिए. एंड जब हमारे पास ऐसी BMW, Jaguar या Mercedes जैसी कार होती है तो ऐसा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेहनत हमें सफलता की ओर ले जा रही. तो आई थिंक ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट भी कह सकते हैं जो हमें यू नो एनकरेज करता रहता है एवरी डे टू वर्क मोर हार्ड. सो बहुत अच्छा लगता है अपनी मम्मी के चेहरे पे जब मैं खुशी देखता हूँ कि यू नो हमारा खुद का घर है, हमारी खुद की गाड़ी है. क्योंकि जब नहीं होता था तो वो दर्द भी हमें पता है, और आज जब है तो उसकी खुशी को जीने का मजा ही कुछ और. थैंक यू सो मच सर.